हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक देश और दुनिया, वास्तुशास्त्र और घरेलू चिकित्सा के कुछ गुणकारी उपाय। मार्ग में सीता ने रामचंद्र से कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मुझे प्रतीत होता है कि अधर्म में प्रवृत्त हो हैं। हे नाथ, इस संसार में कामजनित तीन दोष ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए। पहला कामजनित दोष है मिथ्या भाषण, जो आपने न तो कभी किया है और न ही कभी करेंगे। दूसरा कामजनित दोष है परस्त्रीगमन, आप एक पत्नी व्रतधारी और महान सदाचारी है, अतः यह कार्य भी आपके लिए असंभव है। तीसरा कामजनित दोष है बिना वैर भाव के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार, यह तीसरा दोष अर्थात क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही आपके समक्ष उपस्थित और आप इसे करने जा रहे हैं। आपने इंधन पिस्वियों के समक्ष राक्षसों को समूल नष्ट कर डालने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी में मुझे दोष दृष्टिगत हो रहा है। आपके लक्ष्मण के साथ धनुष धारण कर इस वन में प्रवेश करने के कार्य को मैं कल्याणकारी नहीं समझती। मुझे यह उचित नहीं लगता कि जिन राक्षसों ने आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, उनकी हत्या करके आप व्यर्थ ही अपने हाथों को रक्त रंजित करें। मेरी दृष्टि में यह अनुचित और दोषपूर्ण कृत्य है। महाबाहो, पूर्व काल में किसी पवित्र वन में ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहने वाले एक सत्यवादी एवं पवित्र ऋषि निवास करते थे। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। एक दिन योद्धा का रूप धारण कर इंद्र ऋषि के आश्रम में पहुंचे और विनय पूर्वक अपना खग उस ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दिया। ऋषि ने उस खग को लेकर अपनी कमर में बांध लिया जिससे वह खो न जाए। कमर में बंधे खग के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति में रौद्रता आने लगी, परिणाम स्वरूप वह तपस्या कम और रौद्र कर्म अधिक करने लगे। हे स्वामी, शस्त्र और अग्नि की संगति एक सा प्रभाव दिखाने वाली होती है। आपकी यह भीषण प्रतिज्ञा और आप दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए फिरना आप लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपको उन निर्दोष राक्षसों की हत्या नहीं करनी चाहिए जिनका आपके प्रति कोई भेदभाव नहीं है। बिना शत्रुता के किसी की हत्या करना लोक में निंदा का कारण भी बनती है। हे नाथ, आप ही सोचिए, कहाँ वन का शांत तपस्वी अहिंसा में जीवन और कहाँ शस्त्र संचालन, कहाँ तपस्या और कहाँ निरीह प्राणियों की हत्या, ये परस्पर विरोधी बातें हैं। आपने वन में आकर तपस्वी का जीवन अपनाया है, इसलिए उसी का पालन कीजिए। सनातन नियम यही है कि बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी अपने धर्म की साधना करते हैं। मैं नरिसुल चपलता के कारण ही मैं आपको धर्म का यह उपदेश दे रही हूँ, अन्यथा किसमें सामर्थ्य है जो आपको धर्म का उपदेश दे। सीता के वचनों को सुनकर राम बोले, सीते, जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वथा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने यह बात कही है, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी हैं। वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझसे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा भी की है। क्षत्रिय का धर्म ही असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य है, फिर मैं तो उन्हें वचन भी दे चुका हूँ। क्या तुम्हारे विचार से यह उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूँ? तुम यह कदापि नहीं चाहोगी कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊँ, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूँ। मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूँ, किंतु अपने प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर भी जो कुछ तुमने कहा उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात उन लोगों ने अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं चल पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते तथा वनों में भ्रमण करते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में एक एक दो वर्ष तक कुटिया बनाकर निवास किया, साथ ही साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम की भी खोज करते रहे, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका आश्रम न पा सके। अंततः वे पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटककर महर्षि अगस्त्य के आश्रम की खोज कर रहा हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका हूँ। उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है, इसलिए कृपा करके आप उनके आश्रम में पहुँचने के लिए मार्ग बताइए। मुनिराज सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ, वहाँ तुम्हें एक विशाल पिप्पली वन दृष्टिगत होगा। उस पिप्पली वन के वृक्ष प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले सुगंधयुक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष मिलेंगे। उन पर नाना प्रकार की बोलियों में कलरव करते हुए असंख्य पक्षी होंगे। अनेक प्रकार के हंसों, बेकों, कारंतवों आदि से युक्त सरोवर भी दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त्य के भाई का आश्रम है, जो वहाँ ईश्वर साधना में तल्लीन रहते हैं। कुछ दिन उनके आश्रम में रहकर विश्राम करें। जब तुम्हारी मार की
अटलांटी में जाए तो वहां से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चलना, वहां से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त्य का शांत मनोरम आश्रम है जिसके दर्शन मात्र से अद्वितीय शांति मिलती है। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।